पतरातू प्रखंड सभागार में चिंतन शिविर का आयोजन रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने कहा, पतरातू प्रखंड में संसाधन की कोई कमी नहीं, बस चिंतन कर सुचारू रूप से कार्य करने की है आवश्यकता। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को प्रखंड विकास स्ट्रेटजी आकाशीय प्रखंड कार्यक्रम के तहत चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ डीसी चंदन कुमार मौजूद रहे, साथ ही आकांक्षी जिला स्तरीय टीम पदाधिकारी, अंचल अधिकारी पतरातू शिवशंकर पांडे, CDPO अनुपमा मिंज, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व प्रधान सहायक चित्रंजन पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरातू मनोज कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि DC चंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बताया गया कि नीति आयोग द्वारा देश भर में आकांक्षी प्रखंड के रूप में 500 प्रखंडों का चयन किया गया है। उनमें झारखंड के कुल 34 प्रखंड शामिल हैं। रामगढ़ जिले का पतरातू प्रखंड भी आकांक्षी प्रखंड के रूप में शामिल है। साथ ही कहा गया कि आकांक्षी प्रखंड पतरातू के सर्वांगीण विकास के लिए मंथन की आवश्यकता है। इस दौरान आकांक्षी प्रखंडों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, सामाजिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास आदि के क्षेत्र में उपलब्ध समस्या, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता समेत योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता पर चर्चा कर प्रखंड के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र में उपलब्ध समस्याओं के समाधान पर बिंदुसार चर्चा की गई। साथ ही चिंतन शिविर में चर्चा कर कहा गया कि पतरातू प्रखंड में संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमें उस पर बेहतर कार्य करने और जागरूकता लाने की जरूरत है। प्रखंड के सर्वांगीण विकास के लिए नीति आयोग द्वारा विभिन्न इंडिकेटर निर्धारित किए गए हैं, उन इंडिकेटर पर कार्य करना है ताकि बेहतर कार्य करके पतरातू प्रखंड को पूरे राज्य व देश भर में एक पहचान दिला सके। मौके पर प्रखंड के अन्य जनप्रतिनिधि, प्रखंड व अंचल कर्मी मौजूद रहे। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट।